हेलो एवरीवन, आज आपका फिर से स्वागत है मेरे नए वीडियो में। और आज हम एक देखने वाले हैं इंफ्रारेड कुकटॉप, जो कि इंडक्शन कुकटॉप जैसे ही दिखता है लेकिन इसका वर्किंग थोड़ा अलग है। तो इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। और ये किस कंपनी का है आप देख सकते हो, सोनाली का है। ये जो सोनाली कंपनी का है, ये लोकल ब्रांड है लेकिन इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। मुझे इसकी बिल्ड क्वालिटी पसंद आई है। मैंने इसे शॉप पर ओपन करके वो देखा था, लेकिन आपके सामने फिर से इसे ओपन कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है इन्फ्रारेड कुकर 2000 वॉट्स। और इसके साथ देख सकते हो ये ऊपर एक ग्रिल भी फ्री है, ये जिस पे आप पपड़ या कोई और चीज़ को ग्रिल कर सकते हो। तो मशीन कुछ इस तरह की दिखती है सेम। तो चलिए इसे खोलते हैं। तो कुछ इस तरह की पैकिंग में आई हुई है। एक्चुअली इसमें थर्माकोल वगैरह सब अच्छे से पैक किया होता है, वो तो जस्ट हमने शॉप पे खोला था इसलिए अभी इसमें थर्माकोल नहीं है। चलिए इसे निकालते हैं बाहर। तो देखिए ये ग्रिल है जो इसके ऊपर इस तरह से आती है, इस तरह से बढ़ जाती है इसके ऊपर। तो ये ग्रिल हम साइड में रख देते हैं। तो अभी देख सकते हो, तो अभी देख सकते हो ये इंडक्शन कुछ इस तरह का दिखता है, सॉरी ये इंफ्रारेड कुकटॉप है, इंडक्शन नहीं है। इसमें डायरेक्ट हीट निकलती है ऊपर, तो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से काम करता है। बाकी देख सकते हो ये पूरा ग्लास का बना हुआ है, ये इतना पूरा सरफेस, लेकिन यहाँ तक का सरफेस इसका टच पैनल पूरा ग्लास का है। इसमें बटन्स कोई यूज़ नहीं किया, जस्ट टच पैनल है, आप इसे टच करके चेंज कर सकते हो। बाकी यहाँ पर नॉर्मल डिस्प्ले लगा है जो सब में लगा हुआ होता है। तो अगर मैं आपको इसके सारे बटन्स बताऊँ, देख सकते हो क्लोजअप में बता देता हूँ, इसके बटन बता देता हूँ क्लोजअप में। ये इलेक्ट्रिसिटी का बटन है, ये टाइमर का बटन है, ये माइनस प्लस, ये फंक्शन सेलेक्ट करने के लिए, ये जो ऊपर दिए फंक्शन, और ये ऑन ऑफ करने के लिए। तो मॉडल नंबर देख सकते हो IRC2K। इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आप जाकर देख सकते हो कि वहाँ पे अलग अलग मॉडल पड़े हुए हैं, मैंने हमने ये वाला लिया है। तो चलिए अभी एक बार इसे मैं आपको ऑन करके भी दिखा देता हूँ। तो इसे ऑन करके देख लेते हैं, देख सकते हो जो आपको ब्लिंक दिख रहा था अभी, ये जो ब्लिंक है आपके मोबाइल में ही दिख रहा होगा आपको, क्योंकि ये रियल में ये नहीं होगा, जस्ट मोबाइल का फ्रेम रेट की वजह से यहाँ पर आपको ब्लिंक दिख रहा होगा। तो अभी देखिए, सबसे पहले जस्ट यहाँ पे हम प्रेस करेंगे, तो ये ऑन लिख कर आ गया है यहाँ पे। ट्राई करता हूँ आपको दिखाने की, देखिए ऑन लिखा हुआ है। तो ये ऑन होने पर भी यहाँ पे कोई चीज़ ऑन नहीं हो जाती, जस्ट सिस्टम ऑन होता है। अगर आप इसे ऑन करना चाहते हो तो ये देखिए यहाँ पे एक भी लाइट ग्लो नहीं हो रही है। तो जैसे ही हम फंक्शन का बटन दबाएंगे, हॉटपॉट बताएगा और 2000 वाट पे ये चालू हो चुका है। अभी इसे कम करते हैं, मिनिमम 200 वाट तक ये जाता है। तो ये यहाँ पे हीट आने लग गई है, तो अभी देखिए 200 वाट पे, तो हम बढ़ाते हैं, तो ये हो गया अभी 2000 वाट। आप देख सकते हो ये पूरा रेड ग्लो होना शुरू हो गया है। इस तरह से ये काम करता है, जस्ट इसमें हीटिंग कॉइल लगी है जो कि बहुत अच्छे से काम करती है, और ग्लास के ऊपर इसमें से हीट निकलती है। अगर आप हाथ लगाओगे तो आपका हाथ जलने के चांसेस है, ये बहुत अच्छे से हीट प्रोड्यूस करता है। तभी हीट कम कर देते हैं इसी। तो यहाँ पे देखिए इतने सारे अलग अलग फंक्शन है, तो जस्ट आपको यहाँ पे टैप करने पर ये चेंज होता रहेगा। आपको मैं दिखाते हुए कोशिश कर रहा हूँ, देखिए आप इसे टेम्परेचर भी सेट कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए 520 डिग्री बता रहा है, आपको इसे कम करना हो तो कम भी कर सकते हो। जैसे कि आपको 180 डिग्री पे कुक करना है या 100 डिग्री पे कुक करना है, उस हिसाब से आप इसे सेट कर सकते हो। जैसे 240 डिग्री पे अभी ये कुक होता रहेगा, उससे ज़्यादा टेम्परेचर नहीं जाएगा आपका। तो ये फीचर इसमें बहुत अच्छा है, और आगे जाते हो तो आप ज़्यादा टेम्परेचर रख सकते हो। तो इसमें टाइमर फंक्शन भी है, टाइमर फंक्शन को मैं आपके यूज़ करके बता देता हूँ किस तरह से हम टाइमर फंक्शन इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अभी देखिए मैं इस टाइमर फंक्शन को ऑन कर देता हूँ। तो उससे पहले हमें क्या करना है, जस्ट कोई भी फंक्शन को ऑन कर लेते, इसे ऑन कर दिया और ये 2000 सेलेक्ट कर लिया। टाइमर पर क्लिक करेंगे, यहाँ टाइमर आ चुका है, इसे प्लस करेंगे, ये 1 मिनट हो चुका है। आप इसी तरह से सेट कर सकते हो, और आप यहाँ पर इसे छोड़ दोगे तो ये ऑटोमेटिकली 1 मिनट के बाद बंद हो जाएगा। तो अभी देखिए ये पूरा रेड ग्लो हो रहा है, और 1 मिनट के बाद ये ऑफ हो जाएगा। और देखिए 1 मिनट के बाद ये ऑफ हो चुका है ऑटोमेटिकली। तो आप देख सकते हो ये बहुत ही अच्छे से काम करता है। और इसका एक और बेनिफिट है, अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है
तो ये इतनी देर तक गर्म रहता है, लगभग आधे घंटे के आसपास ये गर्म ही रहता है। अगर इसे ऑफ भी कर दोगे तो ये बहुत ज़्यादा हीट होने की वजह से बहुत देर तक गर्म रहता है। तो इसका ये एक बेनिफिट है। हमारे इंडक्शन में होता क्या है, वो जस्ट गर्म करेगा और बंद हो जाने पर काम नहीं करेगा, उसकी हीट चली जाएगी। तो इसमें डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपने इस पर हाथ लगा दिया तो 100% आपका हाथ जलने का चांस है। तो इस पर हाथ ना लगाए, और जब ये गर्म होता है तब इस पर पानी ना डालें। और दूसरी बात यह है कि अगर आपका इसका यूज़ करना हो चुका है तो आप करना क्या है, इसे ऑन ही रहने देना है। जैसे कि यहाँ पे जस्ट ब्लिंक कर रहा है, अगर ये ऑफ स्टेट में है अभी, लेकिन इसका फ़ैन अभी चालू है। तो इसका फ़ैन किस लिए ऑन रहता है, क्योंकि इसके अंदर जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसको वो कूल करने लगता है। अगर आप इसे जस्ट डायरेक्टली बंद कर दोगे तो हो सकता है अंदर की पार्ट्स मेल्ट होना शुरू हो जाए। तो इसमें ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, जब आप इसे यूज़ कर लेते हो तो इसे डायरेक्टली बंद ना करें, यहाँ से सिस्टम को बंद कर दे, स्विच ऑफ ना करें। तो अभी देख सकते हो इसका फ़ैन ऑन ही है और ये अभी बंद रखा हुआ है। तो ये इस तरह से कुछ काम करता है। बाकी इसका और एक ड्रॉबैक है, ये थोड़ा स्लो काम करता है, लेकिन इसके साथ इसका एक फ़ायदा भी होता है, जिससे कि ये हर एक बर्तन पर आपका काम करेगा। स्टील का बर्तन हो, एल्यूमिनियम का बर्तन हो, या मेटल का कोई भी बर्तन हो, ये सब इस पे काम करेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली हीट प्रोवाइड करता है। तो इंडक्शन में किस तरह से होता है कि वो मेटल के साथ मैग्नेटिक फील्ड तैयार करके उसको हीट करता है। तो जो मेटल के साथ कंपेटिबल है वही उसके साथ काम करते हैं, जैसे कि स्टील या आयरन का उस पर जस्ट काम करता है। उसके अलावा अगर आप उस पर एल्यूमिनियम का रखोगे तो नहीं काम करेगा, या फिर कोई और मेटल का रखोगे तो नहीं काम करेगा, उसका ये प्रॉब्लम होता है। लेकिन इसमें ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो इसलिए मैंने ये चूज़ किया। और इसका मेन फ़ायदा ये है, ये कंपनी जो मैंने लिया है सोनाली का, तो आप ये कंपनी का ले सकते हो, क्योंकि इसका रिप्लेसमेंट पार्ट हर दुकान पर आपको मिल जाएगा, क्योंकि उन्होंने सप्लाई चेन इस तरह से बनाई है कि हर दुकान पर आपको इसके हर पार्ट्स मिलना ही चाहिए। तो मैं इससे अच्छा प्रेस्टीज या पीजन का या फिर कोई और अच्छी कंपनी का ले सकता था, लेकिन उनका सर्विस अच्छा नहीं है। जब भी उनकी मशीन ख़राब होती है वो बहुत टाइम लेते हैं उसे रिपेयर करने में, या फिर उनका जो रिपेयर करने वाला आदमी है वो आता ही नहीं है। उससे अच्छा हम यही करें कि लोकल में जो सस्ती मशीन मिल रही है वो आप ले लें। तो अगर आप, मैं इसको प्राइस की बात बताऊँ तो ये लगभग मुझे 2500 रुपये की पड़ी है। 2500 रुपये में ये अच्छी है, वर्थ है। तो इसके रिप्लेसमेंट पार्ट्स भी हमारे एरिया में अवेलेबल है, और मैंने सोनाली वालों से बात की तो उन्होंने कहा कि हर शॉप में जहाँ से आप ले रहे हो वहाँ उसका रिप्लेसमेंट पार्ट ज़रूर मिलेगा ही मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तो 1 से 2 दिन में वो आपके शॉप में भेज देंगे जहाँ से आप रिप्लेसमेंट पार्ट ले सकते हो। गाइस देखिए, जो इसका हाइट है लगभग हमारे स्टोव जितना ही है, देख सकते हो। तो चलिए अभी इस पर हम कुछ कुक करके देखते हैं, इसका ग्रिल का यूज़ करके। बाकी चीज़ें तो काम कर ही जाएगी, बस ये ग्रिल दी है, तो चलिए इसका यूज़ करके देखते हैं। तो शॉप वाले बोल रहे थे आप इस पर पपड़ या कोई चिकन या कुछ ग्रिल कर सकते हो। तो अभी मेरे पास ये पपड़ रखा हुआ है, तो हम इस पर ग्रिल करके देखेंगे। चलिए इस पर रख देते हैं इस पर। चलिए आपके लिए हम एक काम करेंगे, इसको पहले ऑन करेंगे और थोड़ा 1000 वाट पे कार कर काम कर लेते हैं, और ये गर्म हो जाएगा। रख कर देखते हैं, ये देखिए 1000 वाट बता रहा है। पता नहीं 1000 पे करेगा, चलिए 2000 कर लेते हैं। तो लाल हो गया आप देखते हैं, मैं भी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ, हो जाए तो अच्छी बात है। तो गाइस सक्सेसफुली हमने इसे जला दिया है, कोशिश की, थोड़ा काम तो किया, थोड़ा इसमें प्रैक्टिस चाहिए। तो आप कर सकते हो इस पर, काम तो कर ही रह जाएगा, प्रैक्टिस चाहिए जस्ट। तो चलिए अभी पानी गर्म करके देखते हैं। इतना पानी लिया है, लगभग 1 गिलास के आसपास है, अच्छे से गीला नहीं होना चाहिए, कोशिश करें गीला ना हो। इस पर रख देते हैं, ऑन करते हैं। लगभग इसे 3 मिनट लग गए,
पानी को उबालने के लिए, थोड़ा स्लो है लेकिन काम। तो चलिए अब इसका इंटरनल देख लेते हैं कि अंदर से इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है। तो चलिए इसको ऊपर से इस तरह से रख कर हम खोल देते हैं। तो स्क्रू इसके निकाल दिए, इसको भी सीधा करते हैं। और सीधा करने के बाद इसे खोलने की कोशिश करते हैं। यहाँ देख सकते हैं ये टच पैनल है इसका, और इसकी पीसीबी पूरी सिंगल पीसीबी यहाँ तक, और ये कनेक्टर इसमें लगा हुआ था तो यहाँ में निकालना पड़ेगा। तो अभी इसे निकाल लिया हम साइड में देखिए इसे, और देख सकते हैं क्वालिटी बहुत अच्छी है और बिल्ड एकदम सिंपल है। मैं आपको क्लोजली दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए कुछ इस तरह से इसको लगाया गया है। ये सब पूरा कंट्रोलर है, तो मैंने ऑफलाइन में जब इनके पास से लिया था तो उन्होंने कहा था इसका रिप्लेसमेंट आपको मिल जाएगा। तो ये जो ऊपर का पूरा पैनल था अभी जो हमने निकाला, उसमें टच पैनल इंक्लूड नहीं है, लेकिन जो ऊपर का कांच वाला पूरा पैनल है प्लास्टिक का भी, वो लगभग 750 रुपये बोल रहे थे रिप्लेसमेंट के लिए। ये वाला पूरा कंट्रोलर बोर्ड आपको 550 में मिल जाएगा, और बाकी ये फैन भी इसमें अलग से मिलता है आपको। तो देख सकते हो कुछ इस तरह से बनाया गया है। ये थोड़ा स्प्रिंग लोडेड है, देख सकते हो, अगर आप इसमें लोड डालते हो तो ये थोड़ा सा फ्लेक्स हो सकता है ऊपर नीचे, तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि इसमें स्प्रिंग लोडेड है। बाकी आप देख सकते हो बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। तो चलिए इसे फिर से वापस असेंबल कर दें। कुकटॉप यूज़ कर सकते हो क्योंकि इंडक्शन अब पुराना हो चुका है, और आप मार्केट में जाओगे तो सब यही इंफ्रारेड कुकटॉप बेच रहे हैं। इसमें अलग अलग स्टाइल्स की भी आते हैं जिसमें रोटरी इनकोटर भी लगा होता है, लेकिन ये दिखने में बहुत ही क्लासिक लगता है और बहुत ही अच्छा लगता है, और उसमें टच पैनल लगा हुआ है तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इसमें बटन्स वगैरह नहीं होने की वजह से इसमें शॉक भी नहीं लगने का चांस है, और बटन्स ख़राब भी नहीं होते। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा ये कमेंट करके आप बता सकते हो, और लाइक और शेयर ज़रूर करना इस वीडियो को। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही और कंटेंट के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।